अस्सलामुअलैकुम। आज हम यू बैंक्स के ज़रिए ई सूरत में डिपॉजिट स्लिप लगाने का तरीका आपको बताएंगे, वो किस तरह की जाती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्लिप के साथ आईडी कार्ड की कॉपी लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, वो साथ आपको लगानी पड़ेगी। फिर उसके लिए आपको ब्रांच लेस वाली जो ई सूरत की वेबसाइट है ना, ये सामने जो आपको शो हो रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर देना है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद, रिपोर्टिंग में आने के बाद अकाउंट रिचार्ज रिपोर्ट में आ जाएंगे। फिर यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी अमाउंट देनी है 6000 और उसको सेव कर देना है, ठीक है। ये जिस तरह ये अब सेव हो गए। उसके बाद आपने अपनी स्लिप देख लेनी है भी कौन सी है। ये 6000 की स्लिप बनी हुई है, देखिए नीचे, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये स्लिप आपके पास आ गई। यहाँ पे कैश पे टिक करेंगे, यहाँ पे यू बैंक लिखेंगे, उसका ब्रांच कोड लिखेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पे नेम और सिग्नेचर। इसी तरह नीचे वाला फॉर्म अभी आपने फिल कर लेना है और ये स्लिप ले के आपने यू बैंक चले जाना है। वहाँ पे आप इसको डिपॉजिट करवा देंगे और उसके बाद आपको वो स्लिप स्टैंप लगा के आपको स्लिप दे देंगे। वो स्लिप किस तरह की होगी वो भी मैं आपको साथ मेंशन कर देता हूँ। तो आईडी कार्ड की कापी इसके साथ लाजमी आपने अटैच करनी है। ये तरीका कार है यू बैंक से डिपॉजिट करवाने का।